चलो हो गया, एक बारी बारी से आते जाएं। और मैं इसमें किसी का मतलब प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है, बस आप अपना माल एक्ट करते हैं किसी को। सबको पता है कि दो दशकों की सेवा के बाद अपने विद्यालय से एक पाठी भी आज दिनांक को इस विद्यालय से प्रमोट होकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नाधारी मुझे विदा हो रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें। जगदीश मान साहब आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की, मैं लक्ष्मण भाई को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी भावनाएं आपके बारे में वो अपनी भावनाएं त्रिपाठी साहब के लिए कुछ विदाई समारोह में त्रिपाठी जी का यहाँ से एलवी विद्यालय के लिए प्रस्थान हो रहा है और हमें काफ़ी दिन से हम यहाँ पोस्टिंग है, लेकिन हम करते हैं यहाँ हमारे
विद्यालय हेडिंग मतलब थे, मैं देखा हूँ कि कैजुअल शिक्षक थे, मतलब समय से जाना विद्यालय के देख रेख बहुत ही विशेष ध्यान रखते थे। ताला बंद है तब भी चेक करना, लास्ट में इनका बहुत सराहनीय काम रहता था। और इनके जाने पर बहुत ही थोड़ा यही बात है, क्या करें, शासन का ऐसा आदेश है कि जाना ही पड़ेगा। यही सब नरेश सिंह साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी भावनाएं शब्दों में त्रिपाठी के लिए व्यक्त करें। माँ वृंदावन को नमन करते हुए आज के इस विदाई समारोह में मंचा सिंह हमारे प्रधान अध्यापक महोदय कौन बात कर रहे हैं, सभी शिक्षक जैसा आज का कार्यक्रम है विदाई का, तो विदाई का मतलब ये है कि मेरे विद्यालय से दूसरे विद्यालय पढ़ाना आप लोगों को, ये यहाँ पढ़ाएं। रही बात इनकी, तो जैसे लक्ष्मण भाई ने बताया कि मैंने समय के बहुत पंक्चुअल, समय से आना, कभी कभार 4 बजे छुट्टी हो जाती थी, ठंडियों में पीरियड इनको नहीं मिलता था, बिल्कुल तड़प जाते कि आज मेरा पीरियड छूट रहा। ऐसे शिक्षक आज हमारे बीच से दूसरे विद्यालय जा रहे हैं। विदाई के इस मेला में मैं क्या कहूँ, एक लाइन इनके बारे में गुनगुनाना चाहता हूँ। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, मुलाकात हो न हो पर ख्वाबों में जरूर मुलाकात होगी, जरूर। धन्यवाद शिवेंद्र सिंह सर। अब मैं बिना लाज लपेट के दूसरा मैडम से आग्रह करता हूँ, वो अपनी भावनाएं इस वक्त व्यक्त करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर के लिए तो प्रमोशन हो गया है, और सर जो है तो शिक्षक के पद पर है। आपने ये कन्या धवारी स्कूल में जो है वहाँ पे सर का जो है पदार्पण हो गया है, वहाँ पे जो है सर अब आज के बाद से, आज तो अपने विद्यालय में आए हैं, कल से सर वहाँ जाएंगे। सर की डेली की दिनचर्या बहुत अच्छी थी, और इसके बारे में आप सब लोग भी जानते हैं, सभी बच्चों से स्नेह था, स्वभाव भी सब सर अच्छा ही था, ये है आप सब लोग जैसा जानते हैं। बस अब मैं और सब लोग मुझे जो कहूँगा मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही कहती हूँ कि सर जो है आप वहाँ पे स्वस्थ रहे और सब कुछ अच्छा रहे, बच्चों के साथ हमारे विद्यालय जैसे संबंध तो सर बना ही लेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, शांत ए, और एक आध बड़ी लड़की पर चले जाइए, उनको शांत करा दे रहे तो धन्यवाद साधना मैडम जी। अब मैं सुनीता मैडम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी भावनाएं त्रिपाठी सर के लिए अपने चंद शब्दों में व्यक्त करें। कुछ नहीं बोल पाऊंगी सर, तो वो जरा इमोशनल ज्यादा है, तो मैं रिस्पेक्ट समझ में आ रहा है कि चलिए वो कुछ शुभकामनाएं ही दे पा रही है। हो गया शुभकामनाएं, शुभम सर कहाँ गए, मधुरा मैडम आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें। सबसे पहले तो सर को हार्दिक बधाई है मेरी तरफ से, उनका एक मिला है, लेकिन इसके पीछे हम लोगों को एक दुख भी है
सर यहाँ से जा रहे हैं। सर हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। सर से बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। एक समय हम लोग आए थे स्कूल में, हम लोगों की नई नई नियुक्ति हुई थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सर से सीखी कि कैसे क्या चीज़ें करते हैं। और बहुत सी चीज़ें सीखने के बाद अब ऐसा लग रहा है सर हम लोगों के सामने ऐसे जा रहे हैं तो बहुत बुरा लग रहा है। सर इतना अनुशासन से काम करने वाले व्यक्ति, नियम पे काम करने वाले व्यक्ति, ये सारी चीजें कर्तव्य निष्ठा से काम करने वाले व्यक्ति, बहुत सी चीजें ऐसी हम लोगों ने सीखी कि हमको भी अपने लाइफ में ऐसे ही काम करना है। तो सर मुझे लगता है और सारे बच्चे भी जितने सर से पढ़ते होंगे सर से ये सारी चीजें सीखे होंगे कि सर ऐसे ही अब सब ये जैसे हम लोगों को यहाँ पर प्रेरणा देते रहे हैं आगे ऐसे ही प्रेरणा के स्रोत रहेंगे जहाँ भी जाए। हाल ही में दूसरे विद्यालय से हमारे विद्यालय में आए हुए माननीय पांडे साहब भी आए हुए हैं। सबसे पहले आपका हम इस विद्यालय में स्वागत कर रहे हैं। मैं सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। विद्यालय में आए अभी हमारे यहाँ एक विदाई जा रही थी, एक विदाई आ चुकी है तो आपका इस विद्यालय में त्रिपाठी जी भी आपका स्वागत करेंगे। तो हो जाएगी तो हमारे बीच में इसी विदाई समारोह के बीच में का हमारे जो आगमन हुआ है नए सर का, आप सर है श्री रामजी पांडे साहब, ये आपसे मतलब आज से मतलब हमारे विद्यालय में आ चुके हैं और ये आपके टीचर हैं आज, ठीक मतलब समझ गए। अब वो आपको जो विषय होगा वो आपको आपके विषय पढ़ाएंगे। तो आपका पुनः इस विद्यालय में हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत है। मैं पहले चलिए पहले सर सर को बोल देता हूँ, नहीं मैं बोलूँ तो आखिरी वाले तो आप ही होगी, फिर आखिरी सर होते मुझे आखिरी नहीं आता है। तो मैं जरा अपनी भावनाएं जरा व्यक्त कर दूं कि मेरा ऐसा मानना है कि भावनाओं का कहां कहीं द्वार होता है, जहां मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। तो त्रिपाठी जी हरिद्वार की तरह गंगा की तरह हैं कि जहां जाते हैं वही पवित्र हो जाते हैं। जहां थे इस जगह को पवित्र किया वहां जाएंगे वैसा ही जगह पवित्र करेंगे, ये मेरी ऐसा मानना है ऐसा सोचना है। इनके बारे में जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मेरे को बताया गया था कि सर छुट्टी भी हो जाती थी पंचुअलिटी इतनी तो वो पुलिया में बैठे रहते थे, भाड़ में गई दुनिया लगे रहो बुनिया, वो कुछ ऐसा उनका नेचर है। काम माने काम, स्कूल बंद हो गया ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम था कि सुबह से आना और टाइम से जाना, बंद हो गया शासन का काम, लेकिन मेरा काम नहीं खत्म हुआ। ऐसा व्यक्तित्व जिसका होता है तो वो ऐसे व्यक्ति गिने चुने दुनिया में विरले होते हैं, उनमें से हमारे त्रिपाठी जी हैं। तो सबसे पहले इस बात के लिए कि उनकी पंचुअलिटी के लिए आप लोग ताली बजा दो मेरी। ये पंचुअलिटी हम लोग अपने जीवन में उतारने का चेष्टा करेंगे, क्योंकि ऐसा किया नहीं हम लोगों ने, पर हम कोशिश करेंगे कि ये हम अपने अंदर लाएं। और ये तुम लोगों से भी अपेक्षा करते हैं, बच्चों से, कि ये तुम लोग भी ऐसा ही जज्बा पैदा करने की कोशिश करना अपने मन में। दूसरी बात, त्रिपाठी जी संस्कृत विषय के ज्ञाता थे, विशेषज्ञ थे, और जो उनकी सहली थी, जो लय था, वो शायद अभी बिल्कुल कुछ छाकने में हमको टाइम लगेगा या देखने को मिल जाए, अच्छी बात है, पर ऐसा लय ऐसा तारतम्य ऐसा तरंग शायद ही देखने को मिला, जो मिलेगा उम्मीद करते हैं मिलना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यही तरंगम यही लय वहाँ के बच्चे भी उनके को भी आप जो है दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी आपसे। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी तरफ से आपको आपके आगामी उन दिनों के लिए धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ प्रसन्नचित और वहाँ पर बढ़िया तालमेल के साथ रहेंगे, मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। वैसे तुम लोग कोई कुछ बोलना चाहता है सर को, फिर मैं सर को हेड सर को बोला, कोई कुछ अपनी भावनाएं कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, फिर मैं हेड सर को आमंत्रित करता हूँ। खड़े हो जाओ, कोई बोल दो, जिसको बोलना है बोलो, नहीं सर बोलना तो ज्यादा समय नहीं है फिर मेरे पास, चलो ठीक है बोलो।
ये अपनी बच्ची की भावनाएं मुंह से तो नहीं व्यक्त कर रही लेकिन कुछ गिफ्ट कर रही है ये सर, अपनी भावनाएं। चलो इसके लिए तालियां कर दो। कैसा है ये फूल भी दे दे, ये फूल भी दे दे अपनी तरफ। ये बच्ची ने अपनी भावनाएं अपने तरफ से व्यक्त की, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे बच्चों का प्रतिनिधित्व इसकी तरफ से रहा। अब मैं अपने इस विद्यालय के परिवार के मुखिया प्रेरणा स्रोत माननीय करवरिया सर से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी भावनाएं अपना उद्बोधन त्रिपाठी सर के बारे में बोले और हमारे लिए मार्गदर्शन करें। आज हम माननीय त्रिपाठी जी के समारोह पार्टी एवं स्वागत पार्टी माननीय पांडे साहब में एकत्रित हुए हैं। माननीय त्रिपाठी जी वक्त के पाबंद थे और बहुत ही सज्जन सुलझे व्यक्ति थे, व्यक्ति हैं। अब यही है कि अब हमें खुशी भी हो रही है और दूसरा दुख भी हो रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि ये उच्च पद पर जा रहे हैं और दुख ये है कि हमारे बीच से जा रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि उज्जवल इनका भविष्य उज्जवल हो और कोशिश करें स्वास्थ्य के प्रति कि स्वस्थ रहें, तो सबसे ज्यादा जरूरी है समय स्वस्थ रहें और सबको स्वस्थ करें। तो मैं इस विदाई की वेला में माननीय त्रिपाठी साहब को ही आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने आखिर वचन आखिर वचन विद्यालय के बच्चों के लिए और हम सभी शिक्षकों के लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हुए भी जाएं, जिससे हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, आपके अनुभवों का लाभ ले सके। माननीय त्रिपाठी साहब सुनो ना, बता देना तो ढोलक ले आएंगे तो सिखा देंगे। मेरे सभी शिक्षक साथी, मेरे बच्चे, मैं इस विद्यालय में 2 सितंबर 2003 को ज्वाइन किया था। पहले बहुत दूर दूर के बच्चे आते, मैं आया था, आही टोला है, बटिया है, आपके कैता टोला, शारदा नगर, शिवपुरवा, इकुरी, साइडिंग, लालपुर, सगमा, कैमा कुठार, कैमा उन्मूलन, बमराहा, कुलहानी, सभी के बच्चे आते हैं। अब देखा जाए तो वो सब बच्चे बड़े बड़े हो गए, लगभग 35-35 साल के, लगभग 34-35 साल के बच्चे हो गए। मिल जाते हैं बच्चे पर वो तो चीन जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चीन पाते हैं क्योंकि उम्र के कारण मन शरीर में बदलाव हो जाता है बच्चों में। अब उसी प्रेम से मिल रहे हैं अभी भी वो कुल मिला के, लेकिन अब अगर हम आगे भी जा रहे हैं कुल मिला के, लेकिन वो पीछे से आकर के पैर छूते हैं और मिलते हैं बड़े गुस्से कि सर जी आप कहाँ,
वो नाम बता दें कहीं तक हमको याद आता है। मुझे इतने बच्चे मैंने गए पढ़ कर के, मेरा स्टाफ जो था साहब के कुशल नेतृत्व में हम लोगों को कोई चिंता नहीं थी। जब से आप आए 2013 में इन्होंने कारोबार संभाला, कुल मिला के अच्छा नेतृत्व मिला, ईमानदार और एक कुशल नेता थे, नेतृत्व चाहिए था। और बाहरी व्यक्ति का कोई भी आक्रमण होता हम लोगों को कोई चिंता नहीं होती, चाहे कोई चला है, कोई अच्छा चला है, हमसे बड़ा चला है, चाहे कोई चला है, लेकिन हम लोगों को चिंता, हम अपने कक्षा में आए वो टेंशन। हमारे स्टाफ मैडम जी आपके सिंह साहब साहब हैं, मेरा व्यवहार किसी से गलत नहीं था। हमारे साहब हैं दो बात कह लें कुछ भी, हम इनको मेरे पिता के तुल मानते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। हम आपस में बातचीत करें, अभी कर लें बातचीत, मैडम से लड़ें, इनसे लड़ें, सब कुछ लड़ें, लेकिन बाद में वो ऐसी कभी नहीं माना हम लोगों ने। तो इस प्रकार का अपन लोगों का स्वभाव था, चाहे बच्चे हों चाहे कितने भी बच्चे निकल गए, आप लोग भी हो, लेकिन हम लोगों का व्यवहार कभी मतलब ये सोचता था, चाहे हमारे शिक्षिका बहने हों और चाहे हमारे शिक्षक भाई हों चाहे हमारे बच्चे हों, सबको हमने बराबर दृष्टि देखा, और चाहे कोई भी हो, हमने कभी नहीं मारे, विद्यालय परिवार की तरह हमने माना, हर हर के साथ में व्यवहार जो है, जो भी कहना है आप लोगों के सामने कहा, लेकिन पीठ पीछे हमने कभी नहीं कुछ नहीं। और यह था कि आप ही हमारी जान हो, और आप नहीं हो तो हम कुछ नहीं हैं, आपके आप ही हमारा अस्तित्व हो, और जब आप नहीं हो तो हमारा हम कुछ नहीं हैं, बच्चे ही हमारी जान है और बच्चे ही हमारा भविष्य है। मैंने बच्चों को सर्वोपरि माना, और जब तक मेरी सेवा रहेगी मैं बच्चों पर ही निर्भर रहूँगा ज़्यादातर। तो मैं यही कहूँगा कि जीवन की यात्रा लंबी है सभी बच्चों की, और अगर आगे बढ़ना है परेशानियाँ आएंगी, बाधाएँ आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को किनारे करके, उन बाधाओं का सामना करके, उन परेशानियों का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। पहले तो अपने को लक्ष्य निर्धारित करना है, एक निश्चित उद्देश्य यानी एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना है, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कर्तव्य पथ पर डट जाना, कर्तव्य पथ पर डटना है, और कर्तव्य पथ पर ऐसे चलें, ऐसे डटें कि हम निरंतरता बनाए रखें, निरंतरता बनाए रखें। और अगर आप लोग मेहनत करोगे, निरंतरता बनाए रखोगे, तत्परता बनाए रखोगे, आपका लक्ष्य निश्चित होगा, और कर्तव्य अच्छे से करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, उसमें कोई संशय नहीं है, जरूर मिलेगी। एक बार असफलता, असफलता ही सफलता का द्वार खोलती है, असफलता ही सफलता का द्वार खोलती है, लेकिन हमको डटे रहना है, अपने रास्ते पर चले रहना, चाहे कितनी भी धैर्यवान पुरुष होते हैं वो तो कितनी ही परेशानियां आ जाएं, चाहे लेकिन उन परेशानियों का मुकाबला करके वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने पद से वो विचलित नहीं होते, अपने पद से वो विचलित नहीं होते। मैं सभी के लिए यही कहूँगा कि मेरा स्टाफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सभी का स्वभाव सब अच्छा है, मेरे लिए तो भाई सब के लिए, मेरे लिए बिल्कुल सब अच्छा, किसी का खराब स्वभाव नहीं, और अच्छाई से मेरे साथी मिल जाए तो मेरे 3 साल 4 माँ और बच्चे हैं, मेरा किसी प्रकार की मतलब समय बीत जाए। पर देखो बड़ा विद्यालय है और उधर कैसे कैसे स्वभाव के व्यक्ति मिलते हैं तो अपने को मालूम नहीं है, अभी संपर्क नहीं हुआ है। पर तुम लोग, मैं अंतिम यही कहना चाहूँगा कि हमारे हेडमास्टर साहब के आदेशों का पालन करना, हमारे टीचरों के आदेशों का पालन करना, दो चीज़ें हैं, अनुशासन और अनुकरण। अनुशासन वो है जो कि जो हमारे साहब कहें, जो हमारे गुरुजन कहें,
उन नियमों का पालन करना, जो हमारे स्कूल के नियम हैं उन नियमों का पालन करना, वो है अनुशासन। अनुकरण क्या है? अनुकरण तो हम, अगर हमें अनुकरण करना ही है तो हमको अच्छे का अनुकरण करना है, बुरे का अनुकरण नहीं करना। अगर अनुकरण करना है, नकल करनी ही है, तो अच्छे की करिए और बुरे की मत करिए। तो जीवन में दो मार्ग होते हैं, एक अच्छा मार्ग एक बुरा मार्ग। हमको चयन करना अच्छे मार्ग का, न कि बुरे मार्ग का। ये मैं तुम बच्चों को सबसे बड़ी यही शिक्षा दूंगा कि कुल मिला के हमारे गुरुजन तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुरुजन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कुल मिला के माता पिता तो उनका स्थान उच्च है, पहला है, पहले माता, फिर पिता, फिर गुरुजन, फिर अपना मित्र, पास पड़ोसी और इसे परिवार। लेकिन जो गुरुजन कहें, अब गुरुजन बात जरूर है कि उनकी वाणी थोड़ी कठोर होती है, सुनने में कठोर जरूर होती है, लेकिन उसका परिणाम हितकर होता है, भलाई वाला होता है। तो गुरुजन का कहना मानो, उनके अनुशासन का कहना मानो, उनके नियमों का कहना मानो और उनके अनुसार चलो। कभी रास्ते से भटक नहीं पाओगे। अगर भटकना है तो उनके आदेशों का, उनके आज्ञा का पालन मत करो। गुरु नाम आज्ञा है विचारणीया, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करने में सोच विचार नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करने में सोच विचार नहीं करना चाहिए कभी भी। गुरु हमेशा कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे हित की ही बात करेंगे, हित के लिए ही सोचेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि सभी मेरे शिक्षक साथी, चाहे छोटे हों साहब मेरे बड़े हों, कुल मिला के मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं अपना 3 वर्ष 4 माह का समय अच्छे से व्यतीत करूँ और तुम लोग भी समझो कि बस यही मैं कहना चाहूँगा। बात धन्यवाद त्रिपाठी साहब, आप इस विद्यालय के एक चिराग रहे हैं और यही चिराग की रोशनी अगले विद्यालय की ही बनेंगे, ऐसी हम सभी की उम्मीद है, ऐसी अपेक्षा है। अब मैं इस विदाई समारोह के जो कुछ लंबे होते हैं, कुछ सामान्य सा जो हम लोगों ने एक गिफ्ट तैयार किया हुआ है, तो वो अब हम आपको देंगे। फिर इसके बाद बच्चे यहाँ, पहले हम आपको गिफ्ट सौंपेंगे। बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे पहले सर का जो, सर के आशीर्वाद का जो लड्डू है, सचमुच का लड्डू, एक लड्डू जो पढ़े लिखने के बाद राजा बन के मिलेगा वो अलग है, वो तुम्हें तैयार करना है। ये सर के द्वारा तैयार किया हुआ सर के विष्णु से वो लड्डू अभी आपको यहाँ पर वितरित किया जाएगा। सारे बच्चे यहीं बैठे रहेंगे अनुशासन से, और उसके बाद हेड सर, तो ये जो हमारा तरफ से गिफ्ट हेड सर अभी ऐसे देते हैं। अच्छा।